मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती करनी, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती करनी, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया, जुबां खुली भी न थी, जुबां खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न प्रणाम। मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से आज फिर एक बहुत ही सुरीले गीत को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आपने मेरा गुनगुनाना सुन ही लिया, पूरा गीत आप सुनेंगे रफी की आवाज में, क्योंकि हम तो बस गुनगुना लेते हैं, उनका भक्त हूँ इसलिए थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। सरस्वती माँ ने इतनी ही विद्या मुझे दी है, इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा गा लेता हूँ, थोड़ा गुनगुना लेता हूँ और कुछ अच्छे कामों में अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता हूँ। इससे ज्यादा उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया। इस गीत को हम रफी साहब की आवाज में भी सुनेंगे, क्या गाया है उन्होंने। रफी साहब का कोई जवाब नहीं, क्योंकि जितनी सादगी से वह गीत गाते हैं उतने ही अच्छे इंसान है, ये आप सब जानते हैं। पता नहीं आज के संगीत में ये खुशबू क्यों नहीं है, यह महक क्यों नहीं है, ये जज्बा क्यों नहीं है, ये कशिश क्यों नहीं है, ये मिठास क्यों नहीं है, वह दर्द और जीवन के दर्शन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है गीत भरा संस्कार, जीवन का सच्चा अनुभव लिए एक दर्द भरा, एक मनमस्पर्शी नगमा। आप इस गीत को सुनेंगे और पिक्चर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या आवाज है और किस तरह से 25 साल ने बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है। इस आवाज में एक अजीब सी अंतर्मन की कसक है, जिन शब्दों में भावनाओं को बयां किया गया है वह अद्भुत है, बेमिसाल है और फिल्म का चित्रण भी अद्भुत है। गाने को सुनिए, गाने के बोल को सुनिए, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली। गजब कैफी आदमी की कलम से ये गीत लिखे गए, अनमोल शब्द रोशन की सुमधुर धुन, आज इतने सुंदर गीत कहाँ है, संगीत अभिनय सब कुछ अति सुंदर। अरुणा ईरानी व अन्य कलाकार की सुंदर अदाकारी, वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से,
वही कहेंगे कभी हमने खुदकुशी कर ली। इस गीत को सुनिए, हम आपको अंत में जाके सुनाएंगे। बेमिसाल पोएट्री, बेहतरीन संगीत और खुदा बख्श रफी साहब की सुरीली और मदोश कर देने वाली आवाज, 100 साल बाद भी सुनेंगे मुझे लगता है कि रूह को सुकून मिल जाएगा। लगेगा नहीं कि 100 साल पुराना ये गीत है, क्योंकि ये जीवन और जीवन के दर्शन से जुड़ा हुआ गीत है। जाहिदा हुसैन और अरुणा ईरानी की मानवीय और दिल को छू जाने वाली अदाकारी। हंसते हुए अरुणा ईरानी कितने जख्म सह लेती हैं, कितनी दर्द भरी दास्तां को महान शायर कैफी आजमी ने सीधे और अति सरल शब्दों में लिख दिया है। इंडियन रेलवे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कैफी आजमी की याद में आजमगढ़ से दिल्ली आने वाली रेलगाड़ी का नाम कैफियत एक्सप्रेस रखकर कैफी जी को इज्जत बख्शी, उनको एक नाम दिया। नाम उनका था, लेकिन लोग जानना, आज के लोग नहीं जानते, आज की पीढ़ी नहीं जानती है। ये वही है कैफी आजमी जो सवाना आजमी के पिता। रोशन साहब की धुन हमेशा अमर रहेगी। कुछ धुन आपको पता है, कुछ गाने उनके पर उनके बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, वो हमारे बीच हमेशा जिंदा रहेंगे। चाहे गीत वो हो कि जो वादा किया वो निभाना पड़े, जो वादा किया वो निभाना पड़े, कभी नहीं भूल सकते इसको। जिंदगी भर नहीं भूलिएगी वो बरसात की रात। इन गीतों के किस्से भी मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। अभी मैं इस गीत की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि फिल्म में दिखाई गई घटना एक ही रात में घटित होती है और कई किरदार अपने अपने जीवन की कहानियों को साझा करते हैं। यह भारतीय समाज में गरीबों और महिलाओं द्वारा सामना की गई कुछ चुनौतियों का एक आकर्षक चित्रण है, जिनमें से कुछ आज भी जारी है। समाज की सच्चाई को ऋषि दा मतलब ऋषिकेश मुखर्जी ने हम सबके सामने इतने सुंदर तरीके से परोसा और इतने साफ तरीके से समझाया कि हम सब डाकू हैं। किसी ना किसी रूप में हम हर एक व्यक्ति का डाका डाल रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण है, बहुत ही स्वाभाविक कहानी है, बस इस कहानी के रूप अलग अलग। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार ने सुझाव दिया था कि प्रसिद्ध साहनी का नाम बदलकर अजय साहनी रखा जाए। फिल्म में हम आपको बता दें कुल 5 गीत है। म्यूजिक डायरेक्टर है रोशन। पहला है ओरे ताल मिले नदी के जल में। ओरे ताल मिले नदी के जल में गीत को मुकेश जी ने गाया है और बहुत ही हिट गीत रहा। और इस गीत के लेखक है। दूसरा गीत है दुल्हन से तुम्हारा मिलन होगा, इसे भी मुकेश जी ने ही गाया है और लेखक इंदिवरी है। एक गीत आशा ताई ने गाया है। गीत के बोल है मेरी बेरी के बेर मत दो। लेखक कथा गीत है बहुत ही मनमस्पर्शी। महलों का राजा मिला रानी बेटी राज करेगी। अब जानते हैं इसे लता जी ने गाया है। महलों का राजा मिला रानी बेटी राज करेगी। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती करेगी, इसे रफी साहब ने गाया। लेकिन इसके लेखक है कैफी आजमी यानी सवानी आजमी के पिता। गीत में मुकेश के गीत है ज्यादातर, लेकिन रफी साहब को इसलिए लाया गया क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी हमेशा रफी साहब को पसंद करते थे और उनको लगा कि ये जो गीत है ये मुकेश से गवाएंगे तो वो बात नहीं बनेगी, चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आएगा जो कि गाने के समय चाहिए। उन्होंने कहा कि रफी साहब को देते हैं इस गीत को गाने के लिए। हम आपको बता देंगे कि इस फिल्म को कई पुरस्कार मिले। फिल्म फेयर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का पुरस्कार अजीत बनर्जी को मिला। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सिनेमा कोगाफर पुरस्कार कमल बोस को मिला। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार ऋषिकेश मुखर्जी को मिला। फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ संवाद पुरस्कार आनंद कुमार को मिला। समझने वाले बात तो ये है कि आशीष सेन बांग्ला भाषी हैं और जिन लोगों को पुरस्कार मिला सब बांग्ला भाषी हैं। यस, सभी बांग्ला भाषी हैं।
आशीष सेन के बारे में एक और जरूरी बात बता दें, 1963 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बांग्ला में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार उत्तर फाल्गुनी फिल्म के लिए उन्हीं को दिया गया था और 1971 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म सफर के लिए उन्हीं को मिला। आशीष सेन उन दिनों बहुत बड़े निर्देशक हुआ करते थे। हम आशीष सेन के बारे में कभी और कुछ आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत को आप सुनिए और महसूस करिए, देखिए वीडियो को कि किस तरह से रफ़ी साहब ने गीत को गाया। पिक्चराइजेशन देखिए, परीक्षित सानी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए और जिन लोगों ने यहाँ पर अदाकारी की इस फिल्म के वक्त, उन सब चेहरों को बहुत गौर से देखिए तो आपको समझ में आएगा हर चेहरा अंदर से कुछ है बाहर से कुछ। तो आज बस इतना ही, प्रणाम।